भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई की निकाली जा रही शंखनाद पदयात्रा में रविवार को जिले के सांसद विजय बघेल और पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे भी शामिल हुए। पदयात्रा ने सुपेला क्षेत्र का भ्रमण किया, जिसका समापन रविवार शाम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुआ। भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष ब्रिजेश भूसपुरिया के नेतृत्व में नगर निगम क्षेत्र के सभी 70 वार्डों में शंखनाद पदयात्रा निकाली जा रही है। पदयात्रा के दौरान भाजपा नेताओं द्वारा लोगों से चर्चा कर समस्याओं की जानकारी ली जा रही है। पदयात्रा में दुर्ग सांसद विजय बघेल और पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे भी शामिल हुए। सांसद और पूर्व विधायक ने नागरिकों से बातचीत कर वार्डों में मौजूद समस्याओं को देखा। पदयात्रा का समापन रविवार शाम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुआ। यहाँ पदयात्रा में शामिल लोगों द्वारा वार्डवासियों से चर्चा की गई। इस अवसर पर भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नल, नाली, सड़क, ये समस्याएं तो एक प्रयास सभी जगह हैं। नालियां पूरी भरी हुई हैं, क्वार्टरों के बीच में बैकलाइन पूरी भरी हुई है, रोडें नाम की चीज़ नहीं है। आज हमने पूरा आपका खोखा, कल खोखा किया था, आज हमने अपना ये कौन सा किया था, हाउसिंग बोर्ड के पास में गए, जवाहर नगर गए और वहाँ पर जो अटल आवास योजना है, बॉम्बे मिशन योजना है, उसमें जो मकान बने हुए हैं उनकी छत उखड़ जा रही है, लोगों को चोटें आ रही हैं और नाली नाम की चीज़ नहीं है, पानी बहुत गंदा आ रहा है और वहाँ पर डायरिया फैल रहा है, लोगों को डेंगू हो रहा है। अभी भी हम जहाँ से घूम रहे थे ब्लॉक नंबर 18 में, वहाँ कुछ महिलाओं ने बताया कि एक महिला को वहाँ पर डेंगू हो गया है, 5-6 लोगों को डायरिया हो गया है। तो इस तरह से नगर निगम के द्वारा आज भी कोई सफाई का काम नहीं किया जा रहा है। शंखनाद पदयात्रा में भाजपा के सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, पार्षद आदि उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।